A very good morning, dear students. Today we will do the exercise of chapter number seven that is typing in wordpad. Okay. So open page number 67 and the first exercise is tick the correct option. So first one is wordpad is a type of wordpad is type of program ka type program, okay is a type of program and is also a type of सॉफ्टवेयर ओके सो इन दिस चैप्टर हेयर इज रिटन ओवर हेयर दैट इज वर्ड पैड इज अ प्रोग्राम विच इज यूज टू टाइप इन अ कंप्यूटर वर्ड पैड क्या है एक प्रोग्राम है ठीक है बट रियल में वर्ड पैड हमारा प्रोग्राम भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है ठीक है सॉफ्टवेयर कैसे होता है हमारे कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशंस होती हैं ठीक है जो भी हम सॉफ्ट जो भी हम एप्लीकेशंस को रन कर रहे होते हैं ठीक है उन सभी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं ठीक है हमारा कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम से बना है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और इस कंप्यूटर में हम जो भी चीजें पेंट को रन करते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हमारी क्या है सॉफ्टवेयर्स हैं ओके सो वर्ड पैड भी एक हमारा सॉफ्टवेयर है और इसे हम प्रोग्राम भी कहते हैं ओके सो देर आर टू ऑप्शन आर राइट नाउ सेकेंड वन इज द हॉरिजेंटल बार एट द टॉप ऑफ वर्ड पैड विंडो इज टाइटल बार हमारा एक ऐसा हॉरिजेंटल बार जो कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे वर्ड पैड विंडो के टॉप में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं टाइटल बार

Dash is a program which is used to type in a computer. So the answer is WordPad. W-O-R-D. WordPad. P-A-D. Okay. WordPad is a program which is used to type in a computer. WordPad is a program which is through a computer. Second, dash is the topmost bar in WordPad window. So the answer is title bar. टी आई टी एल ई टाइटल बार बी ए आर इज द टॉप मोस्ट बार टाइटल बार हमारा टॉप मोस्ट बार होता है वर्ड पैड की विंडो में थर्ड वन डैश एंड डैश आर द टू टैप्स होम एच ओ एम ई होम एंड व्यू वी आई ई डब्लू ओके कैपिटल वी सो होम एंड व्यू आर द टू टैप्स हमारे वर्ड पैड विंडो में टू टैब्स प्रेजेंट होते हैं होम एंड व्यू एंड द लास्ट वन इज अ वर्टिकल फ्लैशिंग लाइन ऑन द स्क्रीन इज कॉल एक वर्टिकल फ्लैशिंग लाइन ठीक है एक वर्टिकल फ्लैशिंग लाइन को हम क्या कहते हैं इंसर्शन पॉइंट आई एन एस ई आर टी आई ओ एन इंसर्शन पॉइंट ओ आई एन टी पॉइंट ओके okay. सो so, हमारी स्क्रीन में जो एक वर्टिकल फ्लैशिंग लाइन हमें शो होती है उसे हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सो इन वर्ड पैड यू कैन नॉट मूव सेंटेंसेस अराउंड हम वर्ड पैड में सेंटेंसेस को मूव नहीं कर सकते सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि हम हाँ अपने सेंटेंसेस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ठीक है जहां भी आपको अगर सेंटेंसेस रिमूव करने हैं और आपको सेंटेंसेस फिर कहीं और जाके पेस्ट करने हैं तो हम उसे एक तरीके से मूव कर रहे हैं ठीक है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नाउ सेकेंड वन इज इन वर्ड पैड यू कैन मेक वर्ड्स बिगर और स्मॉलर हम वर्ड पैड में वर्ड्स को बिगर भी लिख में भी लिख सकते हैं और स्मॉलर वे में भी लिख सकते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू नाउ थर्ड वन इज द डॉक्यूमेंट एरिया इन अ ब्लैंक एरिया ऑन द स्क्रीन डॉक्यूमेंट एरिया क्या है एक ब्लैंक एरिया है हमारी स्क्रीन में ओके सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू डॉक्यूमेंट एरिया एक ब्लैंक एरिया है जहां पे हम राइट करते हैं यह हम कह सकते हैं कि हम उसमें टाइप करते हैं ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज टू सेव अ डॉक्यूमेंट यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हमें प्रोग्राम्स पे क्लिक करना होता है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि अगर हमें सेव करना होता है डॉक्यूमेंट को तो हम किसमें क्लिक करते हैं वर्ड पैड बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद सेव या फिर सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ओके सो हेयर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नाउ द लास्ट वन इज वी कैन नॉट सेव अवर डॉक्यूमेंट हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकते सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज वी कैन सेव अवर डॉक्यूमेंट हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं ओके सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टेक दिंग्स यू कैन डू एन वर्ड पैड सो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है और आपको ये बताना है कि ये थिंग्स आप वर्ड पैड में कर सकते हैं परफॉर्म या फिर नहीं ओके सो फर्स्ट वन इज आई कैन डू सम्स ठीक है आप वर्ड पैड में सम्स कर सकते हैं सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि वर्ड पैड हमारा कैलकुलेटर नहीं है ओके okay? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स सॉरी हेयर वी विल क्रॉस ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस करेंगे नाउ सेकेंड वन इज आई कैन चैट विथ माई फ्रेंड इन पेन पटना हम अपने चैट कर सकते हैं फ्रेंड के साथ जो पटना में है क्रॉस ठीक है नाउ थर्ड वन इज आई कैन डू माई होमवर्क ऑन इट मैं अपना होमवर्क कर सकता हूं इसमें होम वर्क डब्ल्यू आर के सो हम अपना होमवर्क वर्ड पे कर सकते हैं आई कैन ड्रॉ पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज मैं पिक्चर भी ड्रॉ कर सकता हूं सेंटा क्लॉज का सो so, हमारे पास इसपे ड्रॉइंग का भी ऑप्शन होता है ठीक so, है सो so, हम इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं सो वर्ड में हम ड्रॉ भी कर सकते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट वी कैन डू दिस थिंग्स एंड वर्डपैट नई कैन मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स फॉर माई बर्थडे पार्टी मैं लिस्ट प्रिपेयर कर सकता हूँ अपने बर्थडे पार्टी के लिए ठीक है सो ये भी हम वर्डपैट में कर सकते हैं एंड लास्ट वन इज आई कैन मेक चार्ट्स फॉर माय स्कूल प्रोजेक्ट अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए मैं एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ ठीक है वर्डपैट में सो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है Okay. So dear students, that's all for today. Today you have to do only these four exercises in your book. Okay. Rest of the exercise we will do in the next video. Thank you. Have a good day.